विश्व 24 न्यूज, हर पल आपके साथ। जय हिंद, मैं विश्व 24 न्यूज से पत्रकार दाऊद मुल्ला। आज हम बात करेंगे मुफ्त अनाज, जो मोदी सरकार मुफ्त अनाज दे रही है। इसके पहले मैंने मुफ्त अनाज के बारे में और राशन जो भी लोगों के कार्ड बनते हैं उसके लिए जितने आम लोगों की तकरार थी वो मैं आपको दिखाया हूँ इसके पहले। और इस न्यूज़ के अंदर में मैं डिस्क्रिप्शन में अंदर कमेंट में मैं लिंक डालूँगा, वो जाकर आप लिंक देख सकते हैं मुफ्त अनाज के बारे में। मैं आज मुफ्त अनाज के बारे में पूरी डिटेल से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जो गरीब जनता है उसको ये मोदी सरकार किस तरीके से लूट कर रही है, किस तरीके से जनता को बेवकूफ बना रही है मोदी सरकार। दोस्तों, क्या आप जानते हो ये मुफ्त अनाज का जो योजना है ये किसने किया है? ये मुफ्त अनाज का जो है योजना ये किसने लागू किया है? अगर आप सोचते होंगे कि ये मोदी सरकार की गारंटी है तो आप गलत हो। ये मुफ्त अनाज का जो है मनमोहन सिंह, जब 2013 में मनमोहन सिंह ने एक संसद में कानून बनाया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, इसको ये कानून बना के पास किया गया कि जितने भी गरीब लोग हैं उनको मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। ये जब ये कानून बना तो ये कांग्रेस के सरकार में बना है, और ये मोदी सरकार कहते हैं कि हम 5 किलो दे रहे हैं, अगली बार हम और बढ़ाएंगे। तो ये कांग्रेस भी दावा करती है कि अगर हमारी कांग्रेस की सरकार बैठेंगे तो हम 5 की जगह 10 करेंगे। बेशक वो करेंगे, क्योंकि ये योजना ही उसने कांग्रेस सरकार ने किया है, तो 5 की जगह 10 करेंगे। लेकिन ये मोदी सरकार की मनमानी कारोबार किस तरह से जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं आप। और ये भी देखना ज़रूरी है, क्या ये गरीब लोगों के ऊपर जो राशन मुफ्त अनाज के बारे में जो मोदी सरकार कहते हैं, क्या कभी किसी ने नेशनल चैनल पर देखा है जो गरीब लोगों को मुफ्त अनाज का दावा करती है मोदी सरकार? क्या कभी किसी नेशनल चैनल वालों ने दिखाया है गरीब लोगों को मुफ्त अनाज किस तरह से मिलता है, उनको क्या क्या तकलीफें हैं? ये मुफ्त अनाज देकर इतना ही होता है क्या? पोषण आहार में उसमें कमी है क्या नहीं? गरीबों के थाली में जो गरीब जो खाना खाते हैं थाली, पोषण आहार है क्या उसमें? कुछ दिनों तेल वगैरह की महंगाई देखकर तेल वगैरह देना शुरू कर, लेकिन जल्दी गायब कर दिया उसे सरकार ने, मोदी सरकार ने। अभी जो गरीब लोग और दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं उनको तो मिल ही नहीं रहा है मुफ्त राशन, अब इसके जनगण कौन करेगा? ये मोदी सरकार ने किया ही नहीं जनगण, सिर्फ मुफ्त अनाज का ढिंढोरा पीट रहे हैं। लेकिन ये लागू किसने किया है योजना? अगर आप सोचते हैं कि मोदी की गारंटी है, मोदी मुफ्त अनाज दे रहे हैं, तो आप गलत हैं। मनमोहन सिंह ने ये उनके सरकार में उन्होंने ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बनाया, कोई भी गरीब को मुफ्त अनाज मिलना चाहिए, कोई भी गरीब भूखा नहीं रहना चाहिए। लेकिन सोचना ये भी ज़रूरी है भाजपा सरकार को कि गरीब की थाली में इस महंगाई की दर में क्या इतना देकर वो अच्छी तरीके से अपनी देखभाल कर सकते हैं गरीब लोग? ये मोदी सरकार की गारंटी सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना सकती है और कुछ भी नहीं। आप देख सकते हैं जितने जगह मोदी सरकार भाषण कर रहे हैं उसके अंदर विकास को लेकर कभी कुछ भाषण हुआ है? किसी जगह पर विकास को लेकर भाषण किया है मुझे ये दिखाना। मोदी सरकार इतने दिनों से सिर्फ जनता को बेवकूफ बना रही है। अब राहुल गांधी तो ओपन चैलेंज दे रहे हैं कि मुझे बुलाओ मोदी सरकार को कि मेरे साथ डिबेट करने के लिए बुलाओ। कुछ नेशनल चैनल वालों ने तो पहले राहुल गांधी को डिबेट के लिए आमंत्रण किया,
राहुल गांधी रिटायर हो गए, लेकिन मोदी सरकार को जब आमंत्रण किया तो मोदी सरकार सब एक 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 सब अपनी जगह बुला के चार पांच जनों को बिठा के इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन आप खुले में इंटरव्यू दो ना, मोदी सरकार खुले में इंटरव्यू दो, आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते आप? क्योंकि आपके पास कुछ सवाल के जवाब ही नहीं है आपके पास। खुले में आप इंटरव्यू देकर दिखाओ ना, जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाना जानती है भाजपा सरकार। जितने लोग समझदार है बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मेरे साथ डिबेट करने के लिए बोल दो मोदी जी को, वो नहीं कर देंगे, तो इसका जवाब तो कुछ देते ही नहीं मोदी जी। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज का दावा करती है मोदी सरकार, लेकिन गरीब लोगों के ऊपर विकास के लिए क्या है? उनके जो भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बोल रहे हैं आप, उन मुफ्त अनाज उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये कौन देखेगा? कितने बहुत से गरीब लोग हैं उनको मुफ्त अनाज मिलता भी नहीं है, और मुफ्त अनाज जब देते हैं तो वो हक है नागरिकों का, उनको मिलना चाहिए, लेकिन उनके लिए इतना देकर उनका पेट चल सकता है क्या? उनको पोषण आहार मिल रहा है क्या उनके थाली में? आप जैसे देखते हैं आप सब्जियाँ वगैरह जितने भी आप जो ज़रूरी चीज़ें खाने पीने के, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। और इधर मोदी सरकार हर एक भाषण में बोलते हैं कांग्रेस सरकार ने अनाज के गोडाउन को ताला लगा दिया, हमने उसका ताला खोल दिया। सिर्फ आप ताला खोल दिया, ताला बंद कर दिया यही बोल सकते, लेकिन विकास के लिए कुछ बोलते क्यों नहीं? और खुलेआम इंटरव्यू क्यों नहीं करते? अपने चाटू पत्रकारों को बुलाकर सोची समझी साजिश इंटरव्यू करते। मैंने तो मेरी जिंदगी लगा दी हक की बात करने के लिए, लेकिन जो चाटू पत्रकार है वो चाटू पत्रकार ही रहेंगे। जो हक की बात करता है उसको जेल भेज दो, उसको ईडी लगा दो। लगाओ, मुझे क्या लगाना, ईडी लगाओ, जेल में डाल दो, लेकिन मैं हक के बात के लिए लड़ूंगा। जय हिंद। मैं विश्व 24 न्यूज से पत्रकार दाऊद मुल्ला। राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।